स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हमेशा शिविर पर जोर देते थे। शिविर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को सपा अब एक बार फिर से जोड़ने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव हर जिले में जाकर लोगों को जोड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार भी करेंगे। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ के बाद नैमिषारण्य में सपाई जुटेंगे। गोला गोकर्णनाथ में अभियान की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद नैमिषारण्य में जुट जाएंगे। इस तरह की शिविर हर जिले में लगाने की तैयारी, इसके आयोजन में धार्मिक स्थलों को ज्यादा मान्यता दी जाएगी। आपको बता दें कि गोला के देवकली से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। आदर्श जनता इंटर कॉलेज में शिविर की शुरुआत हुई, ध्वजारोहण से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। बूथ से लेकर जिला स्तर के 5000 प्रशिक्षार्थी भाग लिए। आपको बता दें कि इसमें शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद नजर आए, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं 6 जून को अखिलेश यादव शिविर को संबोधित करेंगे, इसके बाद 10 जून को नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर, अखिलेश यादव समेत अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। अखिलेश का नैमिषारण्य प्लान, जमीन और मनोबल मजबूत करने पर जोर। अनर्गल बयानबाजी करने वालों पर लगाम। धार्मिक मामलों में नेताओं को संभलकर बोलने के निर्देश। मतदाताओं के नाम कटने से बचाने का प्लान। सेक्टर ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ तक टीम बनाने पर जोर। जनता के मुद्दों पर फोकस कर सरकार को घेरने की रणनीति। बूथ कमेटियां बनाकर मतदाताओं को जोड़ने की योजना। लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर, जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन की रणनीति। लोहियावादी अंबेडकरवादी को एक मंच पर लाने की रणनीति। मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर लोकसभा चुनाव में उतरना। दलित और पिछड़ों के गठजोड़ को मजबूत कर जीतने पर फोकस। तो यहाँ एक तरफ अखिलेश यादव शिविर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के ब्लड में पॉलिटिक्स है। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के सानिध्य में राजनीति को सीखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता के साथ दिन और रात संपर्क किया, मेहनत कर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ा। सरकार नहीं बनाने के बावजूद पार्टी का जनाधार बढ़ा है। अब 2024 को लेकर महासंग्राम की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि अब सपा भी पूरी तरह से तैयार है। अब सपा कितनी सफल हो पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एड़ी चोटी का जोर जरूर समाजवादी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है।